हेलो क्लास सेवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू विजय एजुकेशन, राइट वे टू लर्निंग एंड सक्सेस। डिस्कस्ड अबाउट द फर्दर कॉन्सेप्ट इन द चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड साल्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस्ड अबाउट नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर विच इज वेरी इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज चाइना रोज। चाइना रोज को आप लोग बहुत कम देखे होंगे, लेकिन समझ सकते हो कि ये भी एक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। ये भी एक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। चलिए तो नेक्स्ट आप देखो कि आखिर ये है क्या। तो कहा जा रहा लाइट पिंक कलर्ड। कैसा कलर है? लाइट पिंक मतलब हल्का पिंक, पिंक मतलब गुलाबी। कलर्ड वाटर ऑब्टेंड फ्रॉम पेटल्स ऑफ, जो चाइना रोज का पेटल्स होता है उससे ही ऑब्टेंड होता है, जिसका कलर कैसा होता है स्टूडेंट, लाइट पिंक हल्का गुलाबी, जिसका यूज किया जाता है किसके रूप में, इंडिकेटर के रूप में। क्या आपको ये चीज़ समझ में आया, चाइना रोज क्या है? तो एक लाइट पिंक कलर्ड का क्या है, इंडिकेटर्स है, नेचुरल इंडिकेटर्स है, जिसको कि चाइना रोज के पेटल्स से प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग किस के रूप में किया जाता है, इंडिकेटर्स के रूप में। चलिए अब आप देख सकते हो कि ये एसिडिक के साथ कैसा कलर दे रहा है और बेसिक के साथ कैसा कलर दे रहा है। तो इट गिव्स डार्क पिंक, दैट मीन्स मैजेंटा। ध्यान दोगे डार्क पिंक, वहाँ क्या था, इसका जो कलर है वो लाइट पिंक, लेकिन ये एसिडिक सॉल्यूशन के साथ कैसा कलर दे रहा है, डार्क पिंक कलर, दैट मीन्स मैजेंटा कलर। डार्क पिंक कलर को क्या बोला जा रहा है, मैजेंटा कलर। तो जब आप चाइना रोज को एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ये कैसा कलर देगा, डार्क पिंक, दैट मीन्स मैजेंटा कलर। जबकि अगर चाइना रोज को बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो ये कैसा कलर देगा, ग्रीन। मतलब इसका ओरिजिनल कलर क्या है, लाइट पिंक, तो बेस में ये ग्रीन में चेंज कर देगा। जबकि लाइट पिंक जो है इसका कलर है, जबकि एसिड में कैसा चेंज कर देगा, डार्क पिंक, दैट मीन्स मैजेंटा में। क्लियर है? तो आपसे पूछा जाए कि एसिडिक सॉल्यूशन के साथ चाइना रोज कैसा कलर देता है, तो मैजेंटा, जबकि बेसिक सॉल्यूशन के साथ ग्रीन कलर। क्लियर है? चलिए ये चीज़ बोला जा रहा है। अगर नेक्स्ट बात किया जाए कि चाइना रोज इंडिकेटर रिमेंस लाइट पिंक इन न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल मीडियम में कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा, दैट मीन्स ओरिजिनल कलर शो करेगा। और आपको मालूम है कि चाइना रोज का ओरिजिनल कलर क्या होता है, लाइट पिंक। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपके पास यही चीज़ दिखलाया भी गया है। आप देख सकते हो ये चाइना रोज फ्लावर है, इंडिकेटर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट। एसिड में कैसा दे रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसका जनरल जो कलर है ये है इंडिकेटर्स का, कौन सा इंडिकेटर का, चाइना रोज का। अरे हाँ ना, दैट मीन्स कैसा, लाइट पिंक कलर, लेकिन एसिड के साथ कैसा दे रहा है, डार्क पिंक कलर, जबकि इसके साथ कैसा दे रहा है, ग्रीन कलर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? या कह सकते हो एसिड के साथ कैसा दे रहा है, मैजेंटा कलर। चलिए अब आप देख सकते हो इसके एक्टिविटी के बारे में जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कॉलेक्ट, इकट्ठा करें सम चाइना रोज, जिसको गुड़हल भी बोलते हैं, पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर। सम चाइना रोज या गुड़हल को आप पेटल्स को कलेक्ट करें और उसको बीकर में डालें। ऐड सम वार्म वाटर, कुछ गर्म पानी को उसमें ऐड करें। गिव द मिक्सचर, और मिक्सचर बनाएं फॉर और सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। जब तक उसको मिक्स करते रहें, जब तक कि वाटर जो है वो क्या हो जाए, कलर्ड हो जाए, रंगीन हो जाए। क्लियर है? चलिए कहा जा रहा है यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। जो कलर्ड वाटर है ना, उसका आप यूज़ करें किसके रूप में, इंडिकेटर्स के रूप में। हाँ ना? चलिए आगे आप देख सकते हो, ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन। प्रत्येक सॉल्यूशन से क्या करें, 5-5 ड्रॉप इंडिकेटर का जो है उसको ऐड करें। अरे हाँ ना? उसके बाद आप क्या पाओगे, आप ऐसा पाओगे अ सॉल्यूशन ऑफ चाइना रोज टर्न्स ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन। ऐसा आप देखोगे कि चाइना रोज जो है वो बेसिक सॉल्यूशन को कैसा कर दे रहा है, ग्रीन दे रहा है, कर दे रहा है, एंड ब्राइट पिंक और मैजेंटा इन एसिडिक सॉल्यूशन। क्लियर है? चलिए तो ये एक्टिविटी, वही चीज़ लिखाया भी गया है कि जो भी आपके पास डाइल्यूट केमिकल्स है ना,
उसके साथ भी ये चीज़ हो सकता है, जैसे डाइल्यूट आपके पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आप जानते हो HNO3 है ना, एसिटिक एसिड CH3COOH, ये सारा एसिड था, अब ये बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर CaOH का होल ट्वाइस। चलिए ये चीज़ अब आगे दिखाया गया है कि अगर आप शैम्पू के साथ ये कैसा देगा, लेमन जूस के साथ, सोडा वाटर के साथ, है ना, ये बेसिक के साथ, आप ये पता कर लो इसमें कौन बेसिक है कौन एसिडिक है। आगे लिखते जाओ, इनिशियल कलर क्या था, फाइनल कलर क्या था, शुगर सॉल्यूशन और कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, ये बेसिक है, विनेगर है, एसिटिक एसिड है आपके पास, है ना, ये जो है आपके पास, तो मतलब आप इसको आपको लिखना है। चलिए आगे पहली आपको एक बताया जा रहा है, कॉफ़ी ब्राउन, बिल्कुल ब्राउन आप देखे भी हो, एंड बिटर इन टेस्ट, इज इट एन एसिड और अ बेस, क्या ये एसिड है या बेस है, डोंट गिव द आंसर विदाउट एन टेस्ट, बिना टेस्ट के आप आंसर नहीं दे सकते हो, क्यों, यू आर इन द डार्क विथ ए टेस्ट, क्लियर है। चलिए आगे चीज़ है, ये चीज़, आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट वेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा और ड्राई लिटमस पेपर, वाई, क्यों ऐसा होता है, मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई, आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक यूज कीजिए आप सॉलिड बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा आप समझ रहे हो व्हाट, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, ड्राई लिटमस पेपर, दोनों में अलग अलग रिजल्ट आएगा, ऐसा क्यों होता है, ट्राई करें, है ना। चलिए एक और एक्टिविटी के बारे में देख लेते हैं, ये एक्टिविटी है कि वही चीज़ कि आपके पास HCl जो है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये जो भी एक्टिविटी आपको दिखलाया गया है ना, इस पर आप क्या करें, सारे को लिस्टेड करें और लिटमस पेपर पे ये कैसा इफेक्ट डाल रहा है, वन बाई वन, फिर टर्मेरिक, उसके बाद चाइना रोज, तीनों आप पढ़ चुके हो, अगर ये एसिडिक तो आपको पता है क्या करेगा लिटमस पेपर पे, तो जो भी अनिल, दैट मीन्स जो भी आपका ब्लू है उसको रेड लिटमस में चेंज करेगा, अगर बेसिक रेड लिटमस को किस में चेंज करेगा, ब्लू में, क्लियर है या नहीं। टर्मेरिक पेपर की अगर बात किया जाए तो ये अगर एसिडिक ये रहेगा बेसिक आपका तो उसको रेडिस ब्राउन में क्या करेगा, चेंज कर देगा, जबकि अगर आपके पास वो बेस एसिडिक रहेगा तो फिर से क्या करेगा, रेडिस ब्राउन को येलो कलर में चेंज कर देगा, न्यूट्रल पे कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, दैट मीन्स येलो है तो येलो ही होगा, जबकि चाइना रोज तो अभी आपने देखा, ठीक है, चाइना रोज में आपने क्या देखा, अगर देखा है नहीं देखा। चलिए तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू वेरी मच।